Yes, so hello guys, welcome back to our video, and I hope everybody is liking our video and the analysis that we are posting on daily basis on our Telegram channel and also on our YouTube channel. Okay, so I guess everybody is consistently making profit with us. Okay, so बहुत सारे stocks हमने पहले भी दिए थे जो काफ़ी successful हुए हैं. Okay, today we'll talk about next week में क्या हो सकता है particular sector. हमें एक sector हमने पहले video में discuss किया हुआ है, वो सेक्टर के टारगेट्स भी हिट हुए हैं, एंड अगेन वी आर फीलिंग, वी आर गेटिंग अ फीलिंग कि वो और ऊपर जा सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, फर्स्ट विल गो टू द निफ्टी आईटी सेक्टर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्कस किया था, कंसोलिडेशन हो रहा था बहुत टाइम से. हमने एग्जैक्टली बोला था कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया इट कैन कैच अ गुड मोमेंटम, तो एग्जैक्टली वही पॉइंट से ब्रेकआउट आया. दो तीन कैंडल्स अच्छे बने, 6% रिटर्न्स मिला. हमारा रेजिस्टेंस था अराउंड दिस पॉइंट, जो ऑलरेडी मैंने मार्क किया, 33,400 राउंड फिगर, उसके ऊपर उसने क्लोज दिया है. ओके, वी हैव टू वेट, देखते. बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है निफ्टी आईटी ने, लास्ट वीक भी अच्छा परफॉर्म किया. ओके, अगर इसके ऊपर अच्छा क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट वी आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू आर प्राइस एक्शन स्टडी इज अराउंड 36,420, दैट इज 450 रफली वी आर कैचिंग. ओके, इसके साथ हमने एक और जो सेफ ऑप्शन आईटी सेक्टर में था, दैट इज निफ्टी आईटी बीस. हमने आईटी बी सजेस्ट किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर. ओके, वो एक बार देख लेते फिर से. आईटी बी सजेस्ट किया था हमने, एग्जैक्टली देखो ये ब्रेकआउट सजेस्ट किया था 32 पे सजेस्ट किया था. ओके, राइट नाउ इट इज गोइंग अराउंड 35.14 वॉज द हाई. ओके, सो 32 से 35 अराउंड 9-10% वी आर गेटिंग इन आईटी बीस. स्टिल यू गाइस कैन डेफिनेटली होल्ड. 36.74 इज द पॉइंट वेर वी कैन गेट सम प्रॉफिट बुकिंग इन आईटी बीस. ओके, अब दो स्टॉक्स जो हमने रिसर्च की है जो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं एंड लास्ट पास में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. ओके, सो लेट्स गो फर्स्ट विद द टीसीएस. इसका डेली चार्ट देख दे एक बार. बहुत सारे स्टॉक्स है, एलडीडीएस है, टीसीएस अभी पर हम डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स है जो काफ़ी अच्छे चले हैं. ओके, इसमें से हम एक दो आपके लिए लेके आए हैं. फर्स्ट इज टीसीएस. टीसीएस में इस परफेक्टली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना है. देखो गाइस, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जूम इन, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट. ओके, कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ फिर से, देखो ब्रेकआउट पॉइंट, फिर नीचे रीटेस्ट लिया, नाउ इट इज गोइंग अप, नाउ इट इज ट्राइंग टू बाउंस अप फ्रॉम इट सपोर्ट. ओके, सो टीसीएस पे तुम ध्यान रख सकते हो, अच्छा स्टॉक है. इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट हुआ प्लस रीटेस्ट भी हो गया है. वॉल्यूम्स चेक करेंगे एक बार तो वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, तो एवरीथिंग इज सपोर्टिंग इन केस ऑफ टीसीएस, तो कीप अ वॉच ऑन टीसीएस. नेक्स्ट इज विप्रो. ओके, ये स्टॉक बहुत टाइम से सबको वेट करवा रहा है, बहुत टाइम से नीचे गिर गया है. एक बार इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं कि कितना परसेंट करेक्शन और इसने दे दिया है ऑलरेडी. ओके, लेट्स सी. आई गेस फ्रॉम उसका हाई था 1 December, उसका हाई था 734. ओके, उधर से अराउंड अब तक का जो रीसेंट लो लेता है, दैट इज अराउंड 50% उसने करेक्शन ऑलरेडी दे दिया. नाउ इट इज ट्राइंग टू कैच अप द मोमेंटम. ओके, तो इसका एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं. थोड़ा सा बोलते हैं ना कि स्लो स्टॉक है, बट स्टिल इट हैज़ गुड पोटेंशियल. ओके, लेट्स गो. फर्स्ट इसका ब्रेकआउट हमने यहाँ पे दिखा था, एक बार यहाँ मार्क कर रहा था, ब्रेकआउट आया डेफिनेटली गुड ब्रेकआउट. सेकेंड ब्रेकआउट इज अबाउ 441, जो उसके पास ही ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, और थोड़ा सेफ जाना तो वी कैन कैच दिस ट्रेंड लाइन, दैट इज अराउंड 449 के ऊपर, दैट इज सेफली वी कैन से 450 के ऊपर. अगर सस्टेन करता है, वीकली ब्रेकआउट देता है, तो वी आर गेटिंग गुड मोमेंटम इन विप्रो. ओके, एक और चीज़ है, अगर या किसी को पता होगा, किसी को नॉलेज होगा, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ हायर हाई पैटर्न बन रहा है. दिस फर्स्ट हाई लो, अगेन दिस इज मेकिंग अ सेकेंड हाई, तो हो सकता है ना जो रेजिस्टेंस मार्क किया 450, उधर से छोटा सा रिजेक्शन लेके एक हायर लो बना एंड फिर इट विल गो अप. ओके, दिस इज आज जस्ट अ प्रेडिक्शन, ये थोड़ा सा हमारा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, ये सीधा ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है. ओके, देखो तुम मार्केट में क्या चल रहा है, उसके साथ यू गाइस कैन टेक एक्शन. ओके, सो विप्रो इज अ गुड स्टॉक, 450 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है, तो टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट इज 517, दैट इज वेरी बिग टारगेट नो डाउट. मीडियम टर्म के लिए वीकली चार्ट ओपन किया है. ओके, सो यहाँ से हम नोट करके अराउंड, दैट इज अराउंड 15-16%, दैट इज फेवरेबल. ओके, मिड टर्म के लिए जो हमने ये भी एनालिसिस बताया कि हायर हाईज हायर लोज बन रहा है, तो वो भी एकदम ध्यान में रखना. ओके, सो ये दो स्टॉक हो गए, एक TCS और एक विप्रो, और हमने निफ्टी आईटी डिस्कस किया, तो आईटी सेक्टर पे तुम वापस फोकस कर सकते हो, हमने पहले के वीडियो में बोला है, वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. ओके, नेक्स्ट इज बालकृष्ण इंडस्ट्री. ये और दो स्टॉक्स लेके आओ जिसमें अच्छा ब्रेकआउट हुआ है एंड वी कैन
गेट अ गुड मोमेंटम इन द स्टॉक्स. ओके, सेकंड इज बालकृष्ण वीसी, पहले से इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है. ओके, यहाँ पे एक बार दो बार रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन हुआ. ओके, फिर से ये इस बार आया था, रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, फाइनली मतलब गुड कैंडल उसने ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है. वॉल्यूम्स नॉट दैट ग्रेट बट ठीक है, फेवरेबल है. ओके, तो तुम बालकृष्ण इंडस्ट्री पे एक नज़र रख सकते हो फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म. फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा ये, दैट इज 2728. उसके अब ऊपर के टारगेट्स वी डोंट हैव. ओके, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई के पास जाएगा. तो लेट्स पुट एन इंडिकेटर, दैट इज पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड. एक बार देख लेते पिवट पॉइंट्स अबाउट टारगेट्स वी आर गेटिंग. ओके, सो ब्रेकआउट तो हो गया है. फर्स्ट टारगेट हमारा प्राइस एक्शन के प्राइस एक्शन वाला है, दैट इज 2728. नेक्स्ट टारगेट इज 2966. ओके, क्लोज द पिवट पॉइंट. एक बार परसेंटेज वाइज गिन लेते हैं व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट परसेंटेज वाइज. यहाँ से फर्स्ट टारगेट इज अराउंड ऑफ 7 to 8%. ओके, फेवरेबल. नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ से, दैट इज 17 to 18%. ओके, तो शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए 17 to 18% बालकृष्ण इंडस्ट्री पे यू गाइस कैन कीप अ वॉच. ओके, नेक्स्ट इज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक वाला वॉच लिस्ट अभी ऑलरेडी एडेड है, यहाँ फर्स्ट ही है. ओके, कुछ चेंजेस नहीं है. ओके, इसमें दो ब्रेकआउट्स, दो अलग अलग एंगल से वी आर गेटिंग ब्रेकआउट्स. फर्स्ट एंगल इज दिस राइजिंग रेजिस्टेंस. ओके, ये एक ब्रेकआउट है. ओके, हम आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स ही देंगे या फिर जो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है वही देंगे. सेकंड ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट. ओके, वी आर गेटिंग टू ब्रेकआउट्स. तो पीएनबी ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़ा है कई टाइम से. और एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल रहा है, छोटा सा ब्रेकआउट. देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक बार जूम करके आई एक्सप्लेन यू गाइस, दिस इज द वीकली चार्ट. ओके, देखो यहाँ पे एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बन रहा था, वेरी स्मॉल राउंडिंग बॉटम. ओके, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट लिया एंड अगेन बाउंस. ओके, सो दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट की ब्रेकआउट के बाद इफ रीटेस्ट हो जाए तो दैट इज वेरी हेल्दी. तो एग्जैक्टली पीएनबी में वही हुआ. ओके, सो तीन कन्फर्मेशन मिल रही है, प्लस एक और कन्फर्मेशन इज वॉल्यूम इज राइजिंग. लास्ट वीक का वॉल्यूम काफी अच्छा था, लास्ट वीक में उसने अराउंड 10 to 11% रिटर्न्स दे दिया है. ओके, तो वीकली चार्ट पे वी आर गेटिंग टू साइड्स ऑफ ब्रेकआउट, टू एंगल से ब्रेकआउट दिख रहा है. नेक्स्ट टारगेट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज अराउंड 96. ओके, 96 इज द नेक्स्ट टारगेट. या 96 एंड नेक्स्ट परसेंटेज वाइज लेट्स कैलकुलेट कितना परसेंट हो रहे हैं. ओके, फ्रॉम ईयर टू अराउंड 96 इज 30%. सो शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए पीएनबी इज वेरी गुड स्टॉक, 30% वी कैन एक्सपेक्ट. एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा जो ये ट्रेंड लाइन है जो हमने जो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, दैट विल बी अ स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस. ओके, हम सिर्फ टारगेट से नहीं बोलेंगे, स्टॉप लॉस भी हम बताएंगे, बट जो आपको सही लगे वही करो. योर कैपिटल इज गॉन टू बी इन्वेस्ट. ओके, हम तो रिकमेंडेशन दे देंगे बट इट्स योर कैपिटल, मार्केट में कुछ भी हो सकता है. ओके, सो जो अभी भी इन्वेस्ट करो, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग. ओके, हम अपनी एनालिसिस भले शेयर कर रहे हैं बट व्हेनेवर यू इन्वेस्ट, जो तुम्हें लगे कि ठीक लगे कि हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इतना लॉस ले सकता हूँ, इतना प्रॉफिट, तो ही तुम इन्वेस्ट करो. ओके, ब्लाइंडली किसी के कॉल्स आइडियाज फॉलो मत करो. ओके, सो आज के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए इतने स्टॉक से निफ्टी आईटी पे फोकस करो. विप्रो टीसीएस दो स्टॉक्स दिए, एक बालकृष्ण इंडस्ट्री दिया, पीएनबी दिया. एक और चीज़, मैंने पीपल वर आस्किंग निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में व्हाट वी हैव वी कैन डू नाउ. ओके, सो देखो बेसिक चीज़ है कि निफ्टी मिड कैप ने फ्रॉम अराउंड दिस बॉटम टिल दिस टॉप 65% रिटर्न्स दे दिया है. ओके, सो दिस इज, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया था तो ब्रेकआउट के बाद भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है. तो दिस इज अ टाइम यू कैन बुक सम प्रॉफिट. ओके, ज़्यादा लालच भी नहीं करनी मार्केट में, तो ऐसा करो कि 30-40% जितना भी तुम्हारे पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप बुक करते रहो. ओके, प्रॉफिट बुक करते रहो, डोंट वेट कि और जाएगा और ऊपर जाएगा, जा भी सकता है, हम ना नहीं बोल रहे, बट इट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया है. तो आ सजेशन इज टू बुक सम प्रॉफिट. ओके, डोंट पैनिक, एक फॉल आने से डोंट पैनिक. ओके, हमें उस दिन बहुत सारे मैसेज आने कि क्या करें क्या करें. ओके, तो ये पैनिक क्रिएट हो जाता है रिटेलर्स के सर्कल में, बट ओके, जिसको पता है कि ये सब होता रहता मार्केट में तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब चलते रहता मार्केट. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. इफ़ यू फाइंड एनी ब्रेकआउट स्टॉक, तुम्हें कोई ब्रेकआउट स्टॉक लग रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग आर एनालिसिस वीडियोज हेल्पफुल एंड तुम्हें कुछ सीखने मिल रहा है उससे एंड तुम प्रॉफिट भी बना रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो एंड अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स कमेंट में बताओ. ओके, थैंक यू सो मच.